भागलपुर में साफ सफाई व स्वच्छता को लेकर बागडोर अपने हाथ में लेने निवर्तमान पार्षद पहुंचे नगर आयुक्त के पास। नगर आयुक्त ने कहा, शहर की साफ सफाई व स्वच्छता के लिए हमारा रोस्टर पहले से है तैयार, काली पूजा छठ पूजा को लेकर की जाएगी विशेष तैयारी। हाईकोर्ट के आदेशानुसार नगर निगम चुनाव तत्काल टल गया है और नई तिथि की घोषणा अभी तक नहीं हो पाई है। इस दरमियान सभी पार्षदों ने एक दिन पहले एक बैठक रखी थी कि पंचायती राज के तहत हम लोगों को शहर में साफ सफाई व स्वच्छता अभियान चलाने हेतु आदेश निर्गत किया जाए। इसी बाबत आज कई पार्षद नगर आयुक्त, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला अधिकारियों के प्रतिनिधियों से मिलने पहुंचे और उनका साफ तौर पर कहना था कि जब तक नगर निगम चुनाव नहीं हो जाते तब तक हमारी 10 सूत्री मांगों को मानते हुए अपने अपने वार्डों में कार्य करने का आदेश दिया जाए। परंतु नगर आयुक्त ने साफ तौर पर कहा कि दुर्गा पूजा में भी साफ सफाई एवं स्वच्छता को लेकर नगर निगम विशेष पहल करते हुए शहर के हर गली मोहल्ले को साफ और स्वच्छ रखा। साथ ही अब काली पूजा और छठ पूजा को लेकर भी रोस्टर तैयार हो गया है, उस पर भी जल्द कार्य शुरू किया जाएगा। साथ ही शहर में डेंगू का काफी प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर 4 जोनों में बांटकर प्रत्येक गली मोहल्लों में फॉगिंग की जा रही है और उस फॉगिंग में एंट्री लार्वल केमिकल डालकर छिड़काव किया जा रहा है। उम्मीद है अपना भागलपुर साफ और स्वच्छ रहेगा। देखिए, अभी जो सभी लोगों के द्वारा कुछ बातें अपनी रखी गई हैं और स्पेशली इसमें साफ सफाई को लेके और जो अभी सीजन चल रहा है उसमें मच्छरों से जो बीमारियों का प्रकोप है उसको लेके उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, उसे हम लोग वैसे भी पहले भी जो है फॉगिंग करा दिए हैं और इस माह का जो है रोस्टर अभी निकल चुका है, डेली फोटोग्राफ्स आ रहा है, डेली का प्रतिदिन चारों जोनों में 2 वार्डों में एक दिन का हिसाब से 8 वार्डों को कवर किया जा रहा है और ये लगातार प्रक्रिया चलेगी, 1 माह तक फॉगिंग कराया जाएगा। साथ ही साथ अभी मुख्य सचिव महोदय के स्तर से 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग जो स्प्रे कराते थे और जो लार्वल का जो एंटी लार्वल केमिकल है उसको भी हम लोग डलवाएंगे, तो मच्छरों से कोई भी परेशानी नहीं हो शहरवासियों को, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा, सारी तैयारियाँ हम लोग कर रहे हैं। आगामी पर्व को लेकर जो सफाई का जो भी मुद्दा उठाए हैं, तो अभी दुर्गा पूजा निकला है उसमें बेहतर साफ सफाई की व्यवस्था निगम द्वारा कराई गई। काली पूजा और छठ की जितनी भी तैयारियां सफाई को लेके होनी है, कूड़े को हटानी है या फिर छठ घाटों को जो भी साफ सफाई करानी है उसका पूरा कार्य योजना हम लोग तैयार कर चुके हैं। आने वाले समय में हम लोग एक मीटिंग करेंगे और जो पूजा समिति है उनके सदस्यों के साथ ही बैठक करके जैसा भी जहाँ जहाँ से सुझाव आता है उसको हम लोग ससमय समय से पहले ही उसको करवा लेंगे। आज हम लोग प्रमंडलीय आयुक्त महोदय से, नगर आयुक्त महोदय से और जिला अधिकारी के प्रतिनिधियों से मिलकर अपनी बात रखे हैं कि पंचायती राज का जब चुनाव बढ़ गया था तो जो अधिकार सरकार ने पंचायती राज को दिया था वही अधिकार के तहत नगर निगम के पार्षदों को दी जाए, जिससे कि हम लोग शहर में बहुत अच्छा से अच्छा काम करा सकें, साफ सफाई करवा सकें। काली पूजा और छठ पूजा सामने है और हिंदू के ये महान पर्व को देखते हुए जो आज शहर में गंदगी फैली है इससे शहर की बदनामी है और हम पार्षदों की भी बदनामी है। इसको देखते हुए हम लोगों ने पदाधिकारियों से मांग की है कि आप हम लोगों को पंचायती राज के तहत शक्ति प्रदान करें और 10 बिंदु पर आप यथाशीघ्र विचार कर कार्य को आरंभ करें। नगर आयुक्त के पास गए थे तो अभी क्या सोचा? नगर आयुक्त के पास जब हम लोग गए तो नगर आयुक्त ने हम लोगों को मिलने में करीबन आधा घंटा का लेट कर दिया और हम लोग उनके दरवाजे पर खड़े रहे। हम लोग जब आक्रोशित हुए तब नगर आयुक्त ने बुलाकर अपने चैम्बर में हम लोगों की बात सुनी है। इससे हम लोगों को काफ़ी तकलीफ़ है, ऐसा जनप्रतिनिधियों के साथ नहीं होना चाहिए। जबकि नगर निगम के साथ साथ हम लोग शहर के हित में उनको कहने आए थे कि शहर में काफ़ी गंदगी फैली है, इसको साफ कराना ज़रूरी है छठ पूजा और काली पूजा को देखते हुए। लेकिन उनका मंशा क्या है वो तो शहर के लोग भी जानते हैं और हम लोग भी।